बताया है। कि भाऊ बही जान में भाऊ बसे और भाऊ बसे तो भैया है। भाई बही जान में भाव बसे और भाव बसे तो भैया है। नाप बही जो पार करे और डूब जाए तो क्या नैया है। भाव बही भाई बही जा में भाव बसे कि दुश्मन मारे जब भाई को तो ढाल बने वो भैया है। दुश्मन मारे भाई को तो ढाल बने भैया है और भाई मारे जब भाई को तो को ढाल बने वो भैया है। भाई बिना संसार में कुछ नहीं है। जब भाई को कोई दुश्मन मारता है तो भाई ढाल बन जाता है और जब भाई को जब भाई मारता है तो कौन संभालने वाला है। आज हमारे बहन के आंगन में कथा चल रही है। आज चौथा दिवस है। कभी प्रवेश जी आ रहे हैं तो कभी नरेंद्र आ रहे हैं, कभी विशेष, कभी माधव। सब लोग आते रहेंगे और चले जाएंगे। कथा एक दिन भंडारा होगा मगर कमी केवल एक लगती है। आज अगर हमारे मसीहा अगर हमारे बीच में होते तो आज हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। आते कार्यकर्ता के रूप में हम लोग होते कि भाई बिना भाई के दुनिया भाई का कुछ ना दिखाता है। भाई आज संसार में भाई से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। जिस बहन का भाई नहीं होता है और जब घर में शादी विवाह होते हैं हर लोग झूमते पर बहन को नींद नहीं आती है। आज मेरा भैया होता तो मेरे आंगन में भतैया बन के जरूर आता। भैया मां मां होती है। संसार में हमारे पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो जाए भागवत का मतलब केवल एक ही है, जीवन में सबको भुला देना पर अपने माता पिता को भूल के भी मत भुलाना। क्यों? माता पिता तो वो खजाना है कि जिन्होंने हमें पाल करके सयाना किया है और मां मां होती है। मैया ने झेर दिया अपने बेटा को, सोच रही है ये मेरा बेटा मैं कैसे झेर दे दूं। अगर बेटा को झेर देती हूं तो मेरा बेटा जाता है और अगर झेर नहीं देती हूं तो मेरा पति जाता है। मैया ने जब बेटा को झेर दिया
के यूं के कर प्याला हाथ दिया। बेटा को जब जहर दिया माँ ने, कर लिया पान हंसते हंसते परदा से झलक दिखाए रहे मुरली वाले हंसते हंसते। प्रहलाद ने जहर पी लिया और प्रहलाद बोलो मैया कोई मां ऐसी नहीं है। अरे संसार में आगे चल करके कोई मां पे विश्वास नहीं करेगा। भगवान प्रहलाद ने पी लिया हंसते हंसते। भैया और बहनों तुमसे मैं केवल एक निवेदन करूंगा, मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ कि आज मुझे बहन के आंगन में आने का अवसर मिला, क्योंकि जब भी बहन मिली कह तो मुझे ततरई मिली जब गुरु के आश्रम पे पहुंचे, और आज मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ जो बहन के आंगन में आने का अवसर मिला है। केवल मैं तुमसे प्रार्थना यही करूंगा, एक गांठ बांध लेना कि जीवन में भाई भाई का जो प्रेम होता है इन भाइयों को कभी अलग मत करना, क्योंकि भाई वो बंधन होता है। चाहे मुसीबत झेल लेना पर भाई भाई को अलग मत करना। जब भाई भाई अलग होते ना और दोनों भाइयों में झगड़ा होता है तो आप लोगों को खुशी होती है पर उन भाइयों की मां रोती है। मेरा कितना सुंदर परिवार आज उजड़ने जा रहा है कि भाई मारे जब भाई को तो खून बचावे भैया है, दुश्मन मारे जब भाई को तो ढाल बने वो भैया। आंखों से आंसू बह रहे मां, अरे मां शब्द तो वो होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला शब्द मुंह से मां निकलता है। बच्चा हर बात मां से शेयर कर देता है, पिता से शेयर नहीं कर पाता है। जल्लादों को बुलाया पापी ने,